पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरा सी भी फील ना आए टेल मी, डायरेक्ट फील दिलाऊंगा बिना किसी टेंशन के। ये चैप्टर में तू बोल नहीं सकता फील नहीं आई, बस बोल देना एक बार फील नहीं आई भाई साहब 220 वोल्ट डायरेक्ट डायरेक्ट फील आई। खैर, टुडेज लेक्चर इज वेरी बेसिक। करंट, करंट बेसिकली चार्ज फ्लो है, क्या है? अच्छा बोले तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चार्ज, चार्ज के बारे में जानते हैं, चार्ज की यूनिट, अरे जल्दी लिखना, बेसिक है बिल्कुल आज का लेक्चर, बिल्कुल रफ्तार में पढ़ें। कूलम, क्या चीज? कूलम, क्यों, कोई कष्ट वाली बात नहीं। हाँ ना बोले यार, ओके, चार्ज की प्रॉपर्टीज अपन जानते हैं, क्या चार्ज अपना जो किसी भी, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी जब लेटर स्टडी चालू करा था, कैसे चालू करा था लेटर स्टडी तो बताई थी, क्या उस पर हम नहीं जा रहे। अभी हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ज फ्लो की। मान लो कि भाई साहब किसी तबियत, चार्ज फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो, मान लो कि इसी तबियत खराब हो जाए और इसकी भी तबियत खराब हो जाए, दोनों ग्लूकोज चढ़ाए हैं, इससे अपनी दुश्मनी हो, इसे ग्लूकोज की एक बोतल चढ़ाएं दो घंटे में, कितने में, इस पर 10 बोतल लगा दें खुपच खुपच और भाई साहब मात्र 5 मिनट के अंदर चढ़ा दें, इसके प्राण प्रखेरू तो बोलेंगे हमने मारा थोड़ी साले, ग्लूकोज ही तो चढ़ा रहे थे, क्यों मर गया वो, इतनी खतरनाक एनर्जी रफ्तार आप दे दोगे तो। मान लो इसको 2 कूलम चार्ज दिया जाए एक घंटे में, कितने में, इसको 2 कूलम चार्ज दिया जाए 0.01 सेकंड में, आनंद, क्या वो 0.01 सेकंड इसके जीवन के अमूल्य क्षण होंगे? अरे होंगे नहीं होंगे यार। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई इज बेसिकली dQ/dt, आई इज बेसिकली dQ/dt, जैसे वेलोसिटी होती है dx/dt वैसे ये dQ/dt। अगर मैं आई एवरेज की बात करूं तो आई एवरेज क्या लिखा जाएगा, आई एवरेज लिखा जाएगा चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, यस और नो यार, यस और नो, चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, आई बराबर dQ/dt, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया। उतार लेना इसमें, क्या उतारना है तो सही। अच्छा ये हुआ क्या, कूलम पर सेकंड, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या यूनिट होती है करंट की, अगर डेल्टा टी टाइम्स टू 0 कर ले तो आई बराबर लिखा जाता है dQ/dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज इंस्टेंटेनियस, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा जो आपका करंट होता है वो स्केलर वेक्टर, मान लो इधर से करंट आया 2 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, बोलो इधर कितना गया, ये एंगल 90 डिग्री है, कितना, क्या बात कर रहे हो यार, √4 + 9 तो नहीं गया, no, सोच ले, वेक्टर की तरह जोड़ा स्केलर की तरह, पर अगर मान लो ये एरो ऐसे की बजाय ऐसा होता, कितना कितना, क्या डायरेक्शन मैटर करती है, पर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, पर डायरेक्शन मैटर करती है। हाँ ना बोले यार, तो ये ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्केलर है कि वेक्टर है तो आपका आंसर स्केलर बोलना समझदारी है, बट रियलिटी में इसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, असलियत में करंट के लिए एक नया नाम है जिसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। हाँ अगर आपसे ऑप्शन में टेंसर हो ही ना तो स्केलर वेक्टर में क्या लेंगे, स्केलर। तो टेंसर और स्केलर, टेंसर इसलिए क्योंकि क्या करंट की डायरेक्शन मैटर करती है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं, इसलिए वेक्टर नहीं। हाँ ना बोले यार, पर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। उतार ले, सिंपल सिंपल सी कहानी, फटाफट उतारते चल, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इधर देखें ध्यान से, ये देख, इधर देखें 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला पक्की बात, चलो भाई इधर मैं समझिए, अपन करंट के बारे में और चर्चा करें, करंट में अस्तित्व में जो कंडक्टर होता है उसमें दौड़ता कौन है, कौन दौड़ते हैं, असलियत में हम लोग कहानी सुननी पड़ेगी तब जाके अपना काम चलेगा। पहली बात टेंसर क्वांटिटी ठीक भाई, इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा मैं बोलूं करंट ऐसे दौड़ रहा है कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर दौड़ रहे हैं? उसी डायरेक्शन में कि अपोजिट? अपोजिट, जानते हो तुम लोग खूब, ऐसे दौड़ते हुए मानते हैं अपन, कोई बुराई वाली बात नहीं। ओके, अब रियलिटी में ये जो करंट है ये कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं या पॉजिट्रॉन बनाते हैं। कौन करंट कंस्टिट्यूट करता है कंडक्टर्स में? इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स। एटम तो फिक्स होते हैं अपनी लैटिस पे, फ्री कौन होते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर में पूछूं तो क्या दोनों के एटम्स फिक्स हैं? तो क्या फ्री है? ये डिफरेंस आपको करंट में लाता है। तो इंसुलेटर में करंट दौड़ता नहीं, किस में दौड़ता है? कंडक्टर में। ऐसे आपके कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो हमारे को फिजिक्स में यहाँ से लेने देना नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आपने शायद अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको अलग टाइप के सेल पढ़ाए जाएंगे, डेलन सेल, लैग्रांजे सेल, ये सेल, वे सेल। आपने कभी सुना तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है CuSO4 जैसे, तो उसमें वो टूट जाता है CuSO4, Cu+2 और SO2-. उसमें जब करंट दौड़ता है उस टाइप के सॉल्यूशन में तो उसमें Cu+2 भी दौड़ता है और SO2-. तो वहां पे दोनों करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। बट आप और हम जो करंट पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? कंडक्टर्स में। किस में? जब हम कंडक्टर्स में करंट पढ़ेंगे तो कौन करंट कंस्टिट्यूट करेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन करने वाला नहीं। यार हाँ ना बोल। प्रोटॉन करने वाला नहीं। हाँ ना बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, खैर सिंपल सिंपल सी बात करते, इलेक्ट्रॉन करंट आया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे और अपना करंट इधर दौड़ रहे, ये इलेक्ट्रॉन असलियत में ले जा क्या रहे, क्या कर रहे हैं? ये फील आनी चाहिए ना, मैं आपको फील कराता हूँ असलियत में होता क्या है। फिर मैं सुन, आज के लेक्चर में थोड़ी कहानी है और उसको समझाया गया है, बस मैं एक समझाने मैं एक निमित्त मात्र हूँ जो आपको समझाऊंगा, बाकी इट्स आइडियलिस्टिक थ्योरी जो बनाई गई है करंट के लिए। खैर इन रियलिटी अगर अपन बहुत अच्छे से सोचें तो इफ सपोज यू हैव अ कंडक्टर, यू हैव अ, और आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का मतलब, बैटरी क्या देती है? पहली बात हम पढ़ रहे हैं डीसी सोर्सेस, कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे करके मैं आपको बैटरी अलग पढ़ाऊंगा, आधे पौन घंटे सब कुछ, सिर्फ अभी लिंक कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, है ना। बैटरी की वर्किंग आप कहां पढ़ोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैटरी की वर्किंग कहां पढ़ोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन सही है क्या? केमिकल रिएक्शन सर, क्या कुछ केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है? वो केमिकल रिएक्शन होकर ही आपको एनर्जी, वो बैटरी है। हमारी बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं? Yes, sir. वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो रेडॉक्स रिएक्शन से आ रहा है, CSO4, डेनियल सेल, लैग्रांजे सेल, ये सेल, वो सेल, किसका इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है, ये वो, बहुत सारा इलेक्ट्रोल पोटेंशियल किसका ज्यादा कम, वो सब वहां पढ़ाया जाएगा, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा को सिर्फ ये बताना है कि वॉट बैटरी प्रोवाइड्स यू? एनर्जी। वॉट बैटरी प्रोवाइड्स यू? ध्यान सुनो, एक बार अच्छे समझें। मान लो कि यहां का पोटेंशियल जीरो है, कितना है? जीरो। यहां का भी जीरो है मान रहा हूं मैं, यहां का पोटेंशियल वी है, मैं सिर्फ अभी भूल जाओ तुमने बैटरी लगाई, तुमने कोई ऐसी चीज लगाई जिससे इस कंडक्टर के अक्रॉस वी पोटेंशियल आया, कितना आया? अगर वी पोटेंशियल आया वो बैटरी काम करती है। पोटेंशियल डिफरेंस लाने का काम कौन करती है? वो कैसे लाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उसकी रियल वर्किंग कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी सिर्फ मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, अब बेसिकली बैटरी क्या करती है वो समझे अच्छे से। मान लो मैंने किसी कंडक्टर के अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इस वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dv/dx, डल रेस्पॉन्स dv/dx इज व्हाट? वो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी। ये बड़ा डंडा क्या शो करता है? हायर पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल? ऐसे मतलब ना पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल। और ये क्या? बैटरी प्रोवाइड्स यू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो अपने पढ़ा हुआ है। हाँ ना बोल। और उस डिटेल में चर्चा करें, टेंशन ना लें। खैर अभी हम इतने आते हैं,
इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि लेंथ एल है, सब कुछ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो मान लो कि ये लेंथ एल है, मान लो कि ये लेंथ है। यार हाँ ना बोल। मान लो कि ये लेंथ एल है, कोई शक वाली बात नहीं। अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, कोई बुराई वाली बात नहीं, तो ई बराबर क्या लिखा जा सकता है? वी बाय एल। ई बराबर डी वी बाय डी एक्स। डी वी इज वॉट? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड डी एक्स इज वॉट? लेंथ। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो बेसिकली तो हेलो चेक हेलो तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी प्रोवाइड यू वॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोवाइड यू वॉट? आवाजें। प्रोवाइड यू वॉट? दैट प्रोवाइड यू इलेक्ट्रिक फील्ड। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सुंदर। इधर देखिए आंसर, इधर सुन, अपन ने ऐसा कर दिया। अच्छा भाई, ई एल ई बराबर बी बाय एल, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ओके। अब अगर अपन ध्यान देंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहां इलेक्ट्रॉन है वो कहां दौड़ेंगे? और वी कैन से पॉजिट्रॉन। रियलिटी में कौन दौड़ता है? बट हम समझने के लिए क्या मान लेते हैं? समझने के लिए। पर दौड़ते कौन? बार बार उल्टा ना समझाने की वजह से हम क्या मान लेते हैं? पॉजिट्रॉन। पर दौड़ते कौन? इसे आम चर्चा में मैं पॉजिट्रॉन को ही दौड़ाता हूं, बताऊंगा आपको, वो एक अलग बात है। अरे यार हाँ ना बोल। बट मन में जहन में ख्याल होना चाहिए कि दौड़ते कौन है? कौन दौड़ते हैं? आवाज कौन दौड़ते हैं? बहुत बढ़िया साहब, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स अपन ने ऐसी बात कर ली, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा ठीक भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स दौड़े। अब रियलिटी में होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, सोच के देखना, सिर्फ आप फील करें। मान लो कि ये आपका सेटअप है, यहां आपका पॉजिट्रॉन है, ये जीरो, ये बी। यहां जो पॉजिट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है? ईवी। यहां जो पॉजिट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है? अरे पोटेंशियल एनर्जी तो क्यू इंटू वी होती है। कितनी है? ईवी। ओ तेरी। यहां पे कौन खा गया? कौन खा गया? कंडक्टर। ये एनर्जी ही आप पंखा चलाने में, ट्यूबलाइट जलाने में, प्रोजेक्टर चलाने में, स्पीकर चल, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये पॉजिट्रॉन की यहां एनर्जी कितनी थी? कितनी थी? यहां कितनी गई? कहां? कंडक्टर। ये कंडक्टर ने ये जो एनर्जी थी इसको अलग अलग जगह यूटिलाइज करा। पंखा लाइट की वजह से चल रहा है ना, एनर्जी आई होगी तभी तो ना, वो इलेक्ट्रॉन ही से एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा होता क्या है, यहां पॉजिट्रॉन होता है, यस एनर्जी ईवी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, कितनी हो गई? जीरो। बैटरी के पास आ गया, किसके पास आ गया? बैटरी ने, यहां बैटरी के पे जब पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी थी? जीरो। बैटरी ने कहा निराश मत हो, फिर ले ईवी। अरे यार बैटरी ने उसे एनर्जी दी, फटाक ईवी, धड़ाम, फिर तैयार, मैं फिर बैटरी के पास। प्रोसेस समझ आया नहीं यार? अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बैटरी क्या दे रही है? एनर्जी की चार्ज energy. तो बैटरी से सोर्स ऑफ एनर्जी और चार्ज। कंफ्यूजन मत पालना, कई किताबों में भी गलत लिखा होता है चार्ज गिवन बाय द बैटरी, गलत स्टेटमेंट है ये। बैटरी चार्ज energy. बैटरी क्या देती है? energy. बैटरी तो एक स्टोरेज डिवाइस है, क्या है? और आपके पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो भी आप मान रहे हो, हाँ ना बोले यार, वो अपने ट्रक हैं जो एनर्जी भर भर के लाते हैं, उड़ेल देते हैं, फिर खाली होके जाते हैं, फिर बैटरी स्टोरेज डिवाइस उन्हें भरती है, फिर वो आते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ एनर्जी कैरियर्स, एक्ट एज अ एनर्जी कैरियर। थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई? yes, नहीं आया। yes,
मैंने कोई टेक्निकल शब्दों के बिना प्रयोग के आपको चीज समझाने की कोशिश करिए ताकि आपको फील आए. मैं किसी की भी अभी डीप में नहीं घुसा हूं, सिर्फ बेसिक बेसिक फील. अच्छा ऐसे साला हमको एनर्जी मिलती है. मान लो हमने बैटरी से पंखे को जोड़ दिया, पंखा चल रहा है ना, तो पंखे के पास एनर्जी आ रही है ना. वो एनर्जी कौन ला रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. किससे लेके? बैटरी से. हाँ, तो बैटरी से सोर्स ऑफ एनर्जी और चार्ज एनर्जी. और तो चार्ज क्या कर रहा है? क्या वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है? तो चार्ज इज बेसिकली टेकिंग एनर्जी फ्रॉम व्हाट? बैटरी एंड ट्रांसफरिंग टू द कस्टमर. जो भी है, पंखा उसका कस्टमर है, लाइट उसका कस्टमर है, जो भी आप चलाना चाहते हो. इट इज सिंपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. पहले जो बोला चमका, क्या बेसिक फील आई है. अब इस कहानी के अंदर में और डिटेल है. अभी बैटरी की चर्चा नहीं कर रहे, बैटरी अलग से पढ़ाई जाएगी बिल्कुल जम के. और मैं तो सिर्फ अलग टाइप की चीज पढ़ाऊंगा, मेन वर्किंग आपको इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी. यहां तक की बात समझ में आई है? अब रियलिटी में जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर्स. क्या चीज? आधे घंटे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, उसमें कोई अक्ल लगानी नहीं. जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे आपको याद होनी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वैसा रियलिटी में होता हो ये जरूरी नहीं. बट जो अपन कहानी पढ़ रहे हैं उस कहानी से जो वास्तविकता में होता है वो सब कुछ सही बैठता है. इसलिए जैसे मॉडल बनाया गया, क्या बनाया गया? एक चीज की थ्योरी दी जाती है. वो थ्योरी अगर जो जो हमने देखा है उन सब जगह सेट बैठती है तो क्या हम उसे सही मानते हैं? वैसे ही इस कहानी के साथ है. अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. नहीं होती आइसोलेटेड में. ये अच्छा सवाल पूछा तूने, गुड. कभी कभी तू अच्छे डाउट पूछता है. तो ध्यान देना, मैंने एक चीज दिखाई थी आइसोलेटेड. वाई? ये आइसोलेटेड नहीं, ये आइसोलेटेड नहीं, ये कनेक्टेड है. इट्स अ क्लोज लूप. इसने क्या बोला? सर आपने तो पढ़ा था कनेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती. सर आप यहां तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली. अरे ली नहीं ली. तू ध्यान से सोच तो कनेक्टर में फील कराऊं थोड़ी. अरे कराऊं फील? डाउट गलत नहीं पूछा, सही डाउट पूछा उसने. कोई मैं से पूछता है तो मैं बताता हूं, नहीं पूछता तो नहीं बताता. यार देख, जब आपने कंडक्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक मिनट, तुम इसके चक्कर में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? अगर क्लास कंफ्यूज हो गए ना बेटा, मैंने तेरी मूछें उखाड़ लेनी आज. मान लो इधर सुन, मान लो यहाँ पे कंडक्टर लो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ. क्या लगाओ? तो ध्यान से देख, यहाँ पॉजिटिव आ जाते थे और यहाँ. अब सोच कोई एक सोर्स हो, मान लो यहाँ पे भी वायर हो, तो पॉजिटिव इकट्ठे होंगे या पास हो जाएंगे? अरे इकट्ठे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे. ये कनेक्टेड, यही सिस्टम कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे करा क्या था? क्या चार्जेस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग? चार्जेस यहां पे भी वही चाहते हैं, तभी तो इधर से इधर, पर उनको एक क्लोज लूप मिल गया. इसलिए वो चीज अचीव नहीं हो रही जो कहां हो गई थी. आइसोलेटेड. इज दिस आइसोलेटेड कंडक्टर और इट्स अ कनेक्टेड कंडक्टर? कंफ्यूज तो नहीं हुआ? अरे डर रिस्पॉन्स यार. चमका नहीं चमका? अरे चमका नहीं चमका? पक्की बात? सोमत हाना बोले यार. जो बोला चमका? एकदम पक्का? अच्छा इसलिए बोला. खैर उस कहानी पे अभी नहीं जा रहे. हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं? ये बैटरी से सोर्स ऑफ एनर्जी. बैटरी से सोर्स ऑफ एनर्जी. और इट्स अ सोर्स ऑफ चार्ज. एनर्जी. इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, या पॉजिट्रॉन जिन्हें जो भी आप मान रहे हो, वो बेसिकली ट्रक हैं जो एनर्जी को लेके जाते हैं. ठीक भाई, इतनी बात समझ आ गई. अब जो रियलिटी में आपका कंडक्टर है उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो थोड़े बहुत हैं कि बहुत ज्यादा हैं? आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुने हो कॉपर में? सुने कभी? वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक समझ लो कि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन है. अब सोच, एक ग्राम कॉपर में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एक ग्राम कॉपर. कुछ मतलब सोच के देख. एक ग्राम सोच, एक ग्राम की वॉल्यूम कितनी सी होगी? एक ग्राम कॉपर सोचो बस. कॉपर तो समझते हो? यस सर. कॉपर का एटॉमिक नंबर 39. मॉलिक्यूलर वेट 63.5. दी होती इसे क्या मतलब है यार? छोटे आदि क्या करेगा इतने, उसका थोड़ा एक्युमुलेट कर ले. हाँ खैर, मैं क्या करता. हाँ
तो 63.5 वन ग्राम। उई, सोच अगर एक कॉपर एटम के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लेते, तो सोच वन ग्राम कॉपर में 6.023 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। ये छोटे मोटे हैं कि बहुत ज्यादा हैं? असलियत में इसमें क्वांटिटी डिफाइन करी जाती है, इसे बोलते हैं एन। अब थोड़ी टेक्निकल टर्म्स चलेंगे। एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत बड़ी, अच्छा ये वैल्यू छोटी होगी बहुत बड़ी, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी होती है ये वैल्यू, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यार हाँ ना बोल, अच्छी खासी बड़ी होती है वैल्यू, क्योंकि बड़ी होती है इसलिए सब सारी सारी चीज़ें, इसलिए तो बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। बट आप एक सोचो, इस कमरे में अभी तो इतने से बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे और बढ़ लें, कितने 100 मा जाएंगे इसमें, और सबके मोटर लगा दें, आपने उसको एनर्जी देने का मतलब उसके क्या लगा दिया मोटर, और सबको बोले दौड़ो, तो क्या आपस में कोलिजन होंगे? अरे होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अच्छे कौन से थे है? नहीं तो हंसा तो सही, तो जिसमें कम चोट लगे, जो तेरे से टकराएगा उसको चोट कम कैसे लगती है भाई? नहीं कम लगेगी, उसे लगा ये साला ई बराबर वन गद्दे पे गया धुड़ू, लगे ही नहीं चोट साला, हाँ ऐसे सेम करेगा साला वो, ये देख वाह। तो कुछ कोलिजन अच्छे और कुछ कोलिजन बुरे, बट ठीक है कोलिजन होंगे बहुत सारे। असलियत में अच्छा एक बात, छोटी सी बात और करते हैं फिर इस पे वापस आएंगे। मान लो कि एक कंडक्टर है, मान लो कि एक कंडक्टर, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, कितने पे? रूम टेम्परेचर पे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोल हैं कि नहीं है? वो चुपचाप रुके हुए हैं या घूम रहे हैं? एक कंडक्टर है चुपचाप रखा हुआ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पर हैं कि चल रहे हैं? सोच के बोले, चल रहे हैं कि रुके हुए हैं? चल रहे हैं, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता तो फर्क पड़ता ना। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर आर एट रेस्ट? यस और नो? जस्ट टेल मी, यस और नो? यस और नो? नहीं, वो रेस्ट पे नहीं। वो दौड़ रहे पागल उधर रैंडमली, धड़ाम 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 इधर उधर भिड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट उनका नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। बट वो दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ने की अच्छी खासी रफ्तार है, अच्छी खासी रफ्तार होती है 10⁻³, 10⁴ में, तगड़ी, मतलब बाद में बताऊंगा इसे क्या बोलते हैं, अच्छी खासी रफ्तार है, जोरदार। अरे यार हाँ ना बोल, बड़ी तगड़ी रफ्तार, बट ये दौड़ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट एट रूम टेम्परेचर? अभी मैंने कोई बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाने पर क्या हुआ? ऐसा समझो कि मेरे पे नेट फोर्स जीरो है, मेरे पे नेट फोर्स इधर भी लग रहा है, उधर भी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, बट घूम फिर के यही, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, बट मैं दौड़ तो रहा हूं, बट मैं दौड़ तो रहा हूं, पक्की बात। ऐसे समझो कि अगर मान लो तुम्हें इस कमरे में मोटर लगा के छोड़ दिया जाए बहुत देर दो और छोड़ दिया जाए, और एक साल बाद पूछ जाए, और तुम यही दौड़ते रहे पागलों की तरह, एक साल बाद पूछा जाए तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जीरो। अरे क्या होगा? वैसी ही बात है। अच्छा ठीक, पर फिर बैटरी लगाने से क्या हुआ? What happens when we have a battery? तब भी ऐसे ही दौड़ा, बट हुआ क्या? कुछ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या एक नेट फोर्स इधर की तरफ लगाया? यार ये रियलिटी में ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है कि अलग? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है कि अलग? सेम है कि अलग? जब कोई बैटरी नहीं थी तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था? कितना था? अब जीरो। अब जीरो, हाँ ना बोल, अब जीरो, पक्की बात। अब ये
कुछ हुआ, इस इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही करंट इलेक्ट्रॉन बाहर आए, घूमे, फिर आए, फिर घूमे, एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. यार हाँ ना बोल. अगर आप लॉजिकली सोचो, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इज बोथ द थिंग्स आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. हाँ ना बोल यार. अक्सरियत में बात करें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन असलियत में इज वेरी वेरी लार्ज देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन? असलियत में 10^3, 10^4 की होती है, और ये होती है 10^-3, 10^-2 की. मैं उस डेटा में नहीं जा रहा, आपको लेन देना नहीं है उससे, मैं सिर्फ आपको एक सिग्निफिकेंट बातें बता रहा हूं. रियलिटी की बात यह है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट इन केस ऑफ व्हेन देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? जीरो. बट स्पीड तब भी, बट अब इस वेलोसिटी से हमें मतलब है. अब रियलिटी में जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट लाएगा वो कौन लाएगा? वेलोसिटी की स्पीड. वेलोसिटी की स्पीड, इसलिए हम चर्चा किसकी करते हैं? वेलोसिटी. मैं अगर यहां पे एवरेज स्पीड की बात, सॉरी एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो आप रिलेटिव में क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट तो ये दूरी की टोटल दूरी, ये दूरी, कोई बुराई वाली बात. मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ आर, कितना हुआ? तो लिखोगे आर बाय टी. ऐसे समझाने के लिए. हाँ ना बोलो. अरे जो बोला चमका. अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. तो हमने क्या, रियलिटी में ही होता है जो मैंने आपको बताया. असलियत में जो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है और आती है, इसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? डरे नहीं, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कंफ्यूज ना हो, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी. इसका मतलब वही एवरेज वेलोसिटी जो मैं आपको इतनी देर समझा रहा था. अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मानने की बजाय क्या माना गया? अजम्पशन जो हम पढ़ते हैं पूरे टाइम, जो हम पढ़ेंगे पूरी दुनिया में जब तक ईएमआई मैकेनिज्म सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, हम क्या मानेंगे उसे ध्यान से सुने. हम मानेंगे अजम्पशन कि भैया किसी भी कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन्स सिपाही की तरह हैं. सिपाही देखे हैं आपने मार्च पास करते हुए? अरे यार बिल्कुल सिमेट्रिकली चलते हैं. इन सबकी रफ्तार कितनी है? वीडी. ऐसा असलियत में हो रहा है क्या? हम ऐसा मान रहे हैं, और ये मानने में कोई बुराई नहीं है. अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. क्या असलियत में ऐसा हो रहा है? नो सर. आप पर आप ऐसा assumption मान रहे हो कि all electrons are in a queue? Yes, मान रहे हैं. साले पूरी रामायण खत्म हो तो सीता के साथ ही मजे ले लिया साले. यस. अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन हमने ऐसा माना कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ क्यू. अगर सब एक रफ्तार से चलेंगे तो टकराएंगे क्या? वो रफ्तार कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी. कौन सी रफ्तार? इसलिए ये तो कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, और रियलिटी भी वही थी जो मैंने आपको सुनाई. बट अब जब भी आप करंट के बारे में सोचोगे तो आपको ये सोचना है जो मैंने बोला. अरे यार कैसा असलियत में होता है? बट हम सब जगह ऐसा मान लेंगे तो हमारे सवालों में कोई गलती होने वाली. बट रियलिटी ये है कि हम उनको इतना zigzag motion ना मानते हुए हम उनकी पूरी कहानी को ऐसा मान लेते हैं कि all of them are in a queue, all of them are in a queue, and they are moving with a constant velocity known as drift velocity, and we represent it by vd. तो क्या drift velocity थोड़ी थोड़ी समझ आई? यार हाँ ना बोल. एक्चुअली एक जैसे एक सवाल पूछा था एक एग्जामिनेशन में, उसके बात बताता हूँ मैं आपको. चलो इधर देखें, सुने. अब चलो ये तो हमें समझ आ गया, इधर देखें. अब ये तो हमें समझ आ गया, ध्यान से देखें. ये तो हमें समझ आ गया कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता हुआ मानते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं. कहानी भी आपने लिख ली जो भी आपको लिखनी थी.
या अभी मत लिखो, लिख लो कहानी बाद में लिखें, पांच छह लाइन जितनी याद है लिख ले, या लिख लो, चलो लिखो, लिख लो जो लिखना है अच्छे से। मैं अगर लिखाता हूँ तो कम से कम छः सात लाइन लिखाता हूँ, इसलिए आपकी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तूने साले डेढ़ लाइन लिखी है इतनी देर में, पेज भर गया, वेरी गुड, हाँ बढ़िया, शाबाश, गुड। हाँ भाई इधर देखा, अरे बात नहीं देख, ओके वीवी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। अब रियलिटी में करंट कैसे इसमें से निकाला गया वो बता दें। करंट होता क्या है पहले बताओ, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मान लो एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कितना है ए, ध्यान से सुने एक फॉर्मूला जो करंट के लिए निकल के आएगा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ए। मान लो कि सब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, कितने से ड्रिफ्ट, मान लो कि इस समय पे ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में राम श्याम सीता गीता सब थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बाय एल थी। ये राम श्याम सीता गीता डी टी टाइम में कितना चल जाएंगे, वी डी डी टी, ये राम श्याम सीता गीता एक ही क्रॉस सेक्शन पे थे, ये डी टी टाइम में कितना चल जाएंगे, नहीं आया, वी डी डी टी मतलब क्या, डी टी टाइम बाद ये राम श्याम सीता गीता आगे बढ़ चुके होंगे वी डी डी टी। अब मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, इस क्रॉस सेक्शन को डी टी टाइम में कितने चार्जेस ने क्रॉस करा होगा, क्या वो चार्जेस हैं जो इस जगह प्रेजेंट है, ध्यान से सुने समझ आएगा सब। राम श्याम सीता गीता डी टी जीरो टाइम पे यहां पे थे, बहुत सारे मैंने राम श्याम सीता गीता नाम ले रहा हूं, ऐसी डी टी टाइम में कितने आगे बढ़ गए। अब मेरा सवाल ये है कि कितने चार्जेस, कितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन को डी टी टाइम में क्रॉस कर गए होंगे, क्या वो ही चार्जेस होंगे जो इस समय यहां प्रेजेंट होंगे, क्योंकि टी इक्वल्स टू जीरो के पहले ये सब कहां प्रेजेंट थे, पीछे। राम श्याम सीता गीता डी टी टाइम पे कहां पे, यहां पे, जीरो टाइम पे कहां पे, सब क्यू में चल रहे हैं सिपाहियों की तरह, खुपा, अरे नहीं आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स या व्हाटएवर इट इज यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब क्या इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आए हैं डी टी टाइम, आया नहीं आया यार, हाना बोलना पड़ेगा तभी तो यार, चश्मिश सोच ले पक्का, बीवी की कसम, बीवी कसम खा ली उसने, मेरी बीवी की नहीं यार। अब सोच, बात ये कि डी क्यू चार्ज कितना है, ये जो चार्ज यहां पर है क्या उसी वो ही चार्ज ने क्या डी टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करा है, सो व्हाट इज डी क्यू, व्हाट इज डी क्यू, सोच, मैंने आप वो चीज सिखाई वहां पे, एन इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, बोल इसकी वॉल्यूम कितनी है इस रीजन की, ए इंटू वी डी डी टी, तो एन इंटू ए वी डी डी टी, क्या दीज आर द नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस्ड दिस क्रॉस सेक्शन, अच्छा हर चार्ज का चार्ज कितना था, कितना टोटल चार्ज कितने क्रॉस करे, इनटू ई, आया नहीं आया,
क्या दिस इज द चार्ज क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन इन डी टी टाइम? यस और नो? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी? एन ई ए डी डी. व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? आई. व्हाट इज आई? ये फॉर्मूला है. किसी भी कंडक्टर में करंट का फॉर्मूला क्या है? एन ई ए वी डी. ए रुक जा. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. क्या ई इज द चार्ज? ए इज एरिया ऑफ वी डी. वी डी अच्छा मटी यू सलाम हो. नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. अरे बोलो आया नहीं आया? उतार. I बराबर एन ई ए वी डी. पंची बनू कूड़ फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में. होए अरे बात नहीं. हाँ भाई, आई बराबर एनी है वीडी. आई बराबर एनी है वीडी. इधर देख. हाँ, अब मान लो, एक बात सोचो. मान लो ये मैंने क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म लिया, नॉन यूनिफॉर्म. मैं छोटी छोटी बातें ऐसे पूछा, उतारना मत इसको, सब सुन ले. मान लो ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन है, करंट बह रहा है आई यहां पे, और यहां पे आई सेम है अलग. मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, उसको बैटरी से जोड़ दिया, सब कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ चुकी हैं, तो करंट बह रहा है. तो यहाँ पे और यहाँ पे आई सेम अलग? सेम अलग. अभी तो अलग बोल रहे थे तुम. सेम के अलग? सेम के अलग? सेम के अलग? अरे चार्ज फ्लो, जाहिर सी बात, ये वैसी बात है, पाइप में पानी की तरह देख लिया करो तुम तो. अरे यार हाँ ना बोल. तुम पहले तो तुम क्या कम कर जानते हो? तुम्हें पानी दूर फेंकना हो तो तुम क्या करते हो? क्या कम कर देते हो उसका? तो क्या बढ़ जाती है? वेलोसिटी. यहां बता ऐसा होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? यहां पे और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम अलग? सेम अलग. कहां ज्यादा? अरे यार, अरे आई सेम रह रहा है ना? आई सेम रह रहा है ना? फ्री चार्जेस पर यूनिट सेम मटेरियल है तो एन में यहां और यहां कोई डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन में भी यहां और यहां कोई डिफरेंस? हां ना बोलना पड़ेगा. तो यहां और यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम अलग? सेम अलग. कहां ज्यादा? यहां पे वी डी टू इज ग्रेटर देन वी डी वन. तो यहां क्या कम है? एरिया. पर करंट दोनों जगह? छोटी सी कहानी, कोई खास बात नहीं. आया नहीं? आया नहीं? आया नहीं? कोई वैसे पानी जैसी कहानी है, बिल्कुल पानी. आपको अगर मान लो दूर पानी फेंकना हो तो आप तो पानी कभी खेले हो पानी और पाइप से? ये साले जैसलमेर से आए हो? ओके, कहानी चालू है अभी तो. देखो देखो, चट्टू कहानी, गट्टू कहानी. ओड़े जब जब जुल्फे तेरी. हाँ सुन इधर. अब अगर अपन, अरे अभी कहानी खत्म नहीं, अभी इसमें और कहानी चलेगी. आई बराबर एन ई ए वी डी. अब क्या हुआ? हमने और सोचा और कहानी बनाई गई. क्या बनाई गई? कि असलियत में अगर अपन सोचे तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, क्या लगाते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी भी पॉजिट्रॉन पे फोर्स लगता है ई. तो उसमें एक्सेलरेशन कितना जाता है? ई बाई. बट आपने क्या माना है? एक्सेलरेटेड मोशन की कांस्टेंट वेलोसिटी. बट रियलिटी में क्या हो रहा है? हो
होता क्या है, ये एक्सीलरेट करता है, फिर बढ़ जाता है, बढ़ा फिर ढा फिर बढ़ा फिर ढा, दिस इज रियलिटी, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, दिस इज रियलिटी। तो क्या माना गया, क्या जंक्शन लिया गया, सुने उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं कि किसी भी एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच की दूरी को कहते हैं लेमडा। क्या कहते हैं? लेमडा मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? और एक यहां से यहां टकराने में दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे कहते हैं टाउ, टाउ सेकेंड, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, इट्स अ मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लैम्डा मीन फ्री पाथ, व्हाट इज मीन फ्री पाथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोलिजंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कोलिजंस, कोई बुराई नहीं। टाउ इज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट? बेसिकली कोलिजन टाइम बिटवीन टू कोलिजंस। अगर इस दौरान कोई कोलिजन नहीं हुआ तो मैं ऐसा मान सकता हूं इसमें एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है e by m। तो ध्यान देते हो लैम्डा को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ, अरे यार हाँ ना बोल, हाफ ऑफ यूटी प्लस हाफ ऑफ, मान लो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान ले, कोई कष्ट वाली बात हाँ ना बोल यार, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान लो, एवरेज करते हैं, फालतू फंडे में नहीं घुसते अपन। लैम्डा बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए कितना, ई बाय एम इंटू टाउ स्क्वायर, यार हाँ ना बोल, नहीं आया नहीं आया। अगर मैं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी जाऊँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज लैम्डा बाय दोबारा लिख दिया, तो मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी लैम्डा बाय टाउ, दैट इज ई टाउ बाय 2m, कोई बुराई वाली बात। अगर मैं करंट के बारे में देखूं तो करंट बराबर क्या है, एन ई ए वी डी, एन ई ए नहीं आया, यहां पर ड्रिफ्ट की वेलोसिटी रख दो जो आपने पढ़ी है, एन ई ए वी डी, व्हाट इज वी डी, ई ई टाउ बाय 2m, यस और नो, ध्यान दे, आई बराबर एन ई स्क्वायर ए बाय 2m, सही तो लिख रहा हूं, टाउ ई सही है क्या? व्हाट इज ई, वी बाय एल, ई इज व्हाट, व्हाट इज वी, व्हाट इज वी, वी बाय एल, ध्यान से देखिए इसको, वी बराबर 2ml बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई, दिस टोटल टर्म इज कॉन्स्टेंट, दिस टोटल टर्म इज, अरे है कि नहीं है, वी बराबर आई आर ओम्स लॉ, ऑल द लॉ है, बट हमने थ्योरी बना के उसका भी प्रूफ, सो दैट इज फॉर फील, ऑल दो इट्स अ लॉ, ऑल दो इट्स अ V बराबर, अरे ये तो पढ़ा होगा, वो रहा ये देख, क्या कहता है ओम्स लॉ, V बाय I बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अस्तित्व में होता क्या है, R, क्या होता है, हवन है, क्या होता है, R इज व्हाट, R इज व्हाट, R इज व्हाट, नहीं आया नहीं आया, R इज व्हाट, इस रेजिस्टेंस पे हम चर्चा करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पे अलग चर्चा करेंगे, आई पे अलग चर्चा करेंगे, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, सोच ले, V इज व्हाट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यही ओम्स लॉ है आपका, यही आपका क्या है, ओम्स लॉ। आर पे भी मैं चर्चा करूंगा बहुत देर तक, जो मुझे करनी है, फिर तो ये थोड़ी थोड़ी फील आई, अरे बोल आई नहीं आई, उतार, ओम्स लॉ, कुछ गड़बड़ कराया मैंने, हाँ मेटेरियल के लिए फिक्स है और टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर मेटेरियल के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स है, अगेन इट्स एवरेज वैल्यू, अगेन इट्स सब कुछ एवरेज करा गया, पूछे ना मेरे से, पूछे ना, मैं हूं ना, बता ना, पूछे ना,
लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी चर्चा कराया था क्यों हम कैसा मानते हैं क्या करते हैं। सुन V बराबर IR मैं भी उसको छूटा नहीं है साथ, उस पर साथ रहेगा हमेशा। V बराबर IR V इज वॉट यार आवाज है, V इज वॉट पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको बताऊं तो आप कुछ कुछ चीजें मानते हो, क्यों मानते हो बताता हूं। आपका रियल रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी बैटरी, ये आप बैटरी, बैटरी में बेसिक बातें आपको सिखा देता हूं। मैं बोलूं कि बैटरी 10 वोल्ट की है, कितने की, इसका मतलब क्या ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है? Yes, मतलब अगर यहां पे 0 वोल्ट तो यहां पे 10 वोल्ट, यहां माइनस 2 ये भी डाउट है, यहां माइनस 2 यहां, अबे x माइनस ऑफ माइनस टू इक्वल टू 10, व्हाट इज x? क्या गजड़े हो गया बिल्कुल। अच्छा ये भी सवाल कराने हैं, ये 4 वोल्ट, ये माइनस 2 वोल्ट, ये कितना? मैंने घोसा मार देना, कितना? हाँ ना बोल बोल चमका। खैर हम इस बेसिक सर्किट की बात कर रहे थे। ये रजिस्टर, रजिस्टर कैसे बनाते हैं ये पता है आपको? रजिस्टर्स को ऐसे बनाया जाता है, बोलो पता है आपको? हाँ ना बोल यार। क्या रजिस्टर टेढ़े मेढ़े होते हैं? अरे पंखा लाइट सब रजिस्टर है, उनको बनाने का तरीका देख रहा है, ऐसा थोड़ी दिखता है पंखा, हाँ तो देखा नहीं, देखा रामलाल है क्या? हाँ ना बोल यार। तो रजिस्टर क्या चीज? रजिस्टर, रजिस्टर और अपनी वी वेल्ड की बैटरी। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ओके। ये रजिस्टर आर, ये बैटरी वी, ये रजिस्टर आर, ये बैटरी वी, कोई बुराई नहीं। ओके ध्यान से सोचो, तो यहां का वोल्ट अगर 0 मान लू तो यहां का भी 0। इन्हें कहते हैं कनेक्टिंग वायर्स। मैं बार बार ऐसा करूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्यों करेंगे, इसे पहले ही बता देता हूं। कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0। यार हाँ ना बोल, कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, अब V बराबर IR लगा, R 0 मतलब V 0 मतलब I कुछ भी हो सकता है ना, जब मुसल मारा हो V बराबर IR, R 0 मतलब V 0 पर I जो चल के आ रहा है वो। हाँ ना बोल यार, I 0 कौन 0 है? R, R 0 तो V 0 मतलब पोटेंशियल 0 की पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब या 0 तो यहां, तो यहां, यहां 0 तो यहां, V तो यहां, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो करंट कितना बहा? V बाय R। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। अब क्या हो रहा, फिर से प्रोसेस समझाता हूं। मान लो यहां पे एक पॉजिट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी? 0। किससे मांगी इसने एनर्जी? बैटरी ने इसको कितनी एनर्जी दी थी? ईवी, ईवी कितनी दे दी? भां। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एक्ट एज अ चार्ज, क्यों मैं यहाँ 0 0 क्यों यहाँ वीवी मान रहा हूँ बोल चमका? अभी रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, पंखा लाइट बैटरी चार्जर व्हाटएवर इट इज, इसमें कोई शक वाली बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर तो थोड़ी थोड़ी करंट की फील और इनकी जनरेट करी कि ऐसे करंट बहता है, ऐसे बैटरी चार्ज होती है, उस पर सब पर डिटेल पर मैं बहुत चर्चा करने वाला, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज एक बेसिक्स डेवलप करेगा आपके, कुछ कुछ बात यहाँ तक चमकी, लिख लो ये जो मैंने बोला अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्टिंग वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। कनेक्टिंग वायर्स में, हाँ बोल, यहाँ पे यहाँ देख, ऐसा समझ, फील करना जो मैं कह रहा हूँ। रियलिटी में रेजिस्टेंस 0 होती, वो इतनी कम होती है कि इतना कम ड्रॉप आता है कि उसे नेग्लेक्ट कर लो तो कोई बुराई। ऐसा समझ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, रफ्तार दे दे पार्टिकल को, रुकेगा चलता रहेगा, वैसी बात। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रफ्तार लेके आ गया था, अब चल रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं, समझ गया वैसी बात। अब सुन,
2ml by ne square tau ai, यही आया था ना? Yes, sir. यार हाँ ना बोल. अब अगले एक डेढ़ लेक्चर तक हमें सिर्फ इस पे चर्चा करनी है, रेजिस्टेंस. VRI पे चर्चा, क्योंकि हमें जब तक सिस्टम की रेजिस्टेंस निकालनी आएगी हमारा काम कैसे बनेगा. ध्यान से देखो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया 2ml by ne square tau a. आप एक बार बताओ, मैं आयरन की दो अलग अलग डायमेंशन की रॉड लूं, एक लंबी एक छोटी, दोनों की रेजिस्टेंस सेम अलग, सेम अलग, सेम अलग, क्यों? अब रियलिटी में एक चीज और डिफाइन करिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुल. जैसे मान लो कि हमें कहीं रेजिस्टेंसेस लगाने, मेरे पास एक कंपनी है जहाँ पे मुझे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाने होते हैं, तो मैंने एक कंपनी को ऑर्डर दिया होता है कि भाई आयरन की रॉड्स भेजा कर, उन पे रेजिस्टेंस लगा के भेज दिया कर, वो कैलकुलेट करके मुझे भेज देता है, हाँ ना बोले यार, और मैं उसको जो उस पर स्लिप लगी होती है उसके हिसाब से उसको यूज़ कर लेता हूँ. बहुत सालों से ये बिजनेस हमारा चल रहा था. एक बड़ी कंपनी थी, वो ट्रक भर भर के आयरन रॉड्स भेजती थी, अलग अलग शेप एंड साइज़ की जो मुझे डिमांड थी, उनकी सभी रेजिस्टेंस लिख के वो भेज देती थी. उनका बच्चा बड़ा हुआ उस कंपनी वाले का, वो बड़ा हुआ, उसने फिजिक्स पढ़ी, उसने यहाँ पे ध्यान दिया, उसने बोला पापा आप इतनी मेहनत करते हो, कभी कभी आप दूसरी कंपनी में जहाँ रॉड भेजते हो टूट जाती है, तो फिर वो आपस आपके पास भेजते हैं और बोलते हैं बताओ क्या रेजिस्टेंस है. इसकी वजह है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप उनको ये वाला फैक्टर बता दो, ये वाला फैक्टर जो मैं बताने वाला हूँ, आपने फॉर्मूला सुना हो बट फील करें उसे क्यों लाया गया है, ये वाला फैक्टर बता दो बस, और बोल दो कि उस फैक्टर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया से आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी. तो आपको हर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत. उसके पिताजी ने बोला वाह यार बात तो तू सही बोल रहे. अरे यार इस चीज को उन्होंने क्या बोला, रेजिस्टिविटी. क्या बोला यार? नहीं आया, नहीं आया यार. क्या बोला? तो R बराबर क्या लिखा गया? रो L बाई, सुना होगा आपने? Yes, sir. सुना है क्या? रो L बाई A. अब सोच के देखो किताबों में आपको क्या लिखा मिलेगा, ये वो भी ठीक, और किताबों में बड़ी किताबें पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर, रेजिस्टिविटी फॉर आयरन. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे, सोच के देखो 2mne square tau, हर मटेरियल के लिए क्या लागू हो सकता है, n और tau, क्या लागू हो सकता है, n और tau. तो कॉपर और आयरन का रो सेम हो सकता है, रो सेम है कि अलग? तो ये रो लेंथ और एरिया के साथ चेंज हो रहा है या सिर्फ मटेरियल के साथ? तो रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जबकि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल प्लस डायमेंशन. अब ऐसे तो हर एक ही मटेरियल की अनंत डायमेंशन हो सकते हैं, तो हम कैसे रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं सबकी? अरे यार हाँ ना बोल. इसका मतलब मुझे किताबों में क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस? रेजिस्टिविटी. तो क्या मेरे को उससे रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए? रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? लेंथ से. और डिवाइड किससे करूंगा? पहले चमका ऐसा क्यों करा गया है, मतलब आपको अगर रेजिस्टिविटी पता है तो आप रेजिस्टेंस निकालने में सक्षम होने चाहिए. रुक जाओ उठा लेना कुछ टर्मिनोलॉजी. रेजिस्टिविटी ध्यान से सुने, रेजिस्टेंस की यूनिट ओ, रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो. अरे रेजिस्टेंस बराबर वी बाय आई था ना, उसे क्या बोल सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर, पर उसकी यूनिट होती क्या है, ओम. सोचो अगर इसकी रेजिस्टेंस ओम है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम, ओम. और टर्मोलॉजी जो केमिस्ट्री में यूज में ली जाएगी यहां पर ज्यादा नहीं, 1/R को कहते हैं कंडक्टेंस. क्या कहते हैं? नहीं आया, नहीं आया. क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 1/R. 1/R की यूनिट 1/ohm. 1/ ऐसे मत देखो, टर्मोलॉजी याद रखनी पड़ेगी. 1/ohm इसे कहते हैं महो, और बनाते भी उल्टा है. अरे ऐसे ही बोलते मैं क्या करूं, महो और बनाते भी उल्टा है. ऐसे ही 1/ρ को कहते हैं कंडक्टिविटी, उसे क्या बनाते हैं, महो पर मीटर. अरे ऐसे उधर मैं क्या करूं, हालांकि तुम्हारे लिए ये सब आना पॉसिबल, ये आएगा रेजिस्टेंस. पर पहले बताओ कि R बराबर रो एल बाई ए क्यों डिफाइन करा गया है, बोलो चमका.
आर बराबर रो एल बाई ए क्यों डिफाइन करें, बोलो चमका। आपको क्या गिवन होगा सोच के देखो, रेजिस्टिविटी। तो आपको क्या निकालना होगा, कोई बुराई नहीं। अब सुन, उतार दे, चलो बेसिक बेसिक बातें। इधर सुन, इधर देख, कंफ्यूज मत हो, लिसन टू मी वेरी। आर बराबर रो एल बाई ए। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, आर बराबर रो एल बाई ए रेजिस्टेंस डिपेंड, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं की ये देना, जैसे कोई वस्तु है आयरन की, मान लो इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है कि वेरिएबल, टेम्परेचर को चेंज नहीं करे, कॉन्स्टेंट की वेरिएबल कॉन्स्टेंट, या किसी बात पर डिपेंड करती है, मटेरियल भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, कैसी रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, बोल है कि नहीं है, बोल है कि नहीं है, सोच ले, इसकी रेजिस्टेंस चेंज होना पॉसिबल है, ऐसे करंट बहाओ तो अलग होगी, ऐसे बहाओ लॉजिकली, सुनना, बेसिक सवाल, बेसिक इलस्ट्रेशन, एक सिंपल सा पॉइंट क्लियर करता है, ध्यान से देखो, ये दूरी ए, ये दूरी बी, ये दूरी सी, टेल मी अगर करंट ऐसे बहेगा तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, एरिया, एरिया क्या, आर वन की वैल्यू रो ए बाय बी सी, हाँ ना बोल, अच्छा करंट ऐसे बहे तो आई टू, तुम लोग बोलोगे आर टू बराबर रो बी बाई, पक्की बात, हाँ ना बोल, पक्की बात, अच्छा ऐसे बहे तो रो सी बाय, सी बाय ए बी, नहीं आया, अरे नहीं आया, ये क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, L is the length, L is the length along the direction of current, and A is the area of cross section, and A is the area of A is the area of cross section. उतार मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंदे, लिखो, resistance depends on, जल्दी लिखो, resistance depends on material, dimensions, टेम्परेचर, टेम्परेचर में मैंने चर्चा नहीं करी, बाद में करूंगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डायमेंशंस, टेम्परेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट लिखो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली, ये इलस्ट्रेशन तो उतार ली ना तुमने। नेक्स्ट लिखो, इन आर बराबर रो एल बाय ए, इन आर बराबर रो एल बाय ए, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, L is the length of the conductor along the direction of flow of current. L is the length of the conductor along the direction of flow of current.
L is the length of the conductor along the direction of flow of current. And A is the area of cross section perpendicular to the direction of flow of current. And A is the cross sectional area perpendicular to the flow of direction of current.